हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए सरपंच। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने आज जून 2020 टर्म एग्जामिशन के रिलेटेड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस रिलीज किया है, जिसके बारे में अब सभी स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज अगर आप लोग इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हो और न्यूज अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाते हो, तो यहाँ पे आप लोग को एक नोटिस रिलीज किया गया है इग्नू की तरफ से, जिसको क्लेरिफिकेशन का नाम दिया गया। ये जो क्लेरिफिकेशन है वो 22 जुलाई को जो इग्नू ने नोटिस रिलीज किया था उसका क्लेरिफिकेशन है। अब 22 जुलाई को इग्नू की तरफ से कौन सा नोटिस रिलीज किया गया था, 22 जुलाई को आप लोग के एग्जाम के रिलेटेड जो नोटिस रिलीज किया गया था, जिसमें बताया गया था कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम अभी नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनका एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा और फाइनल ईयर के एग्जाम को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब किसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा नहीं करवाया जाएगा उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था, तो आप लोग चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा। तो अब देखो, ये क्लेरिफिकेशन देने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जब से ये नोटिस 22 जुलाई को रिलीज किया गया था उसके बाद से सभी स्टूडेंट, खासकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो है या नॉन फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया था। ट्विटर पर भी विरोध किया था, हमने जो हैशटैग चलाया था जस्टिस फॉर इग्नू स्टूडेंट, उसके ऊपर कंप्लीटली 8372 ट्वीट हुए थे और उसका बहुत इंपैक्ट पड़ा था। बहुत सारे ऑफिशियल के पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन गई थी कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट का अगर एग्जाम अभी इस सेशन में अगर वो लोग नहीं करवा रहे हैं या प्रमोट नहीं करवा रहे हैं और दिसंबर में करवा रहे हैं, तो उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हैशटैग बहुत सारे ऑफिशियल के पास गया था, बहुत से स्टूडेंट ने आईग्राम पे कंप्लेन किया था, किसी ने आरटीआई डाला था, ट्विटर के माध्यम से प्रोटेस्ट किया गया था, बहुत अलग अलग वे से प्रोटेस्ट किया गया था। इसलिए इग्नू को एक क्लेरिफिकेशन रिलीज करना पड़ा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। इस पूरा नोटिस को अगर आप लोग देखोगे तो 6 पॉइंट में ये पूरा नोटिस है, जिसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन अगर इस पूरे नोटिस को अगर आप सम अप करोगे, इसका कंक्लूजन निकालोगे, तो यही होगा कि इग्नू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को या फिर नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट को बिना एग्जाम के प्रमोट नहीं करेगा और उनका एग्जाम दिसंबर 2020 में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बारे में इग्नू ने अपने तरफ से तर्क रखे हैं कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, क्यों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट या नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर रहा है। उसके बारे में वही बात बताया जो हम लोग ऑलरेडी जानते थे, या मैंने भी आप लोगों को बताया था बहुत सारे वीडियो में, या इग्नू के ऑफिशियल भी पहले से ही यही बात बोलते थे कि जो ODL सिस्टम होता है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बिना एग्जाम दिए ही सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को भी बिना एग्जाम दिए ही थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है। तो जब प्रमोट ही हो जा रहे हैं तो फिर हम मार्क्स दे के क्यों प्रमोट करें, ऐसा इग्नू का मानना है, और यही बात उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने ये मेंशन किया है कि जून 2020 में जो एग्जाम होने वाला था, अगर जून 2020 में भी एग्जाम होता तो उससे पहले ही अंडर ग्रेजुएट में 151,560 स्टूडेंट ने और जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उसमें से 74,196 स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था अपने नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया है कि जब पहले ही से वो लोग प्रमोट हो गए तो फिर हम उन्हें मार्क्स दे के क्यों प्रमोट करें। उसके बाद से उन्होंने एक ये भी पॉइंट दिया है कि इग्नू में बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है कि 6 साल का आपका जैसे मैक्सिमम पीरियड दिया जाता है अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए और मास्टर डिग्री के लिए 5 साल। अब इस मैक्सिमम पीरियड में वो कभी भी चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर का पेपर है वो थर्ड ईयर में दे सकते हैं, सेकंड ईयर का पेपर है वो थर्ड ईयर में दे सकते हैं, या फर्स्ट ईयर का पेपर है सेकंड ईयर में दे सकते हैं। तो ऐसा इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी है पूरा, जिसमें कोई भी स्टूडेंट कभी भी एग्जाम दे सकता है अगर उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहे तो। सो यही सब वजह है जिसके वजह से इग्नू नहीं चाहता है कि किसी को बिना एग्जाम दिए ही प्रमोट करे। तो ये बात उन्होंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट में लिखा है, जिसको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। 5 नंबर पॉइंट में बोला गया है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो बहुत से स्टूडेंट क्वेरीज कर रहे थे कि उनका बैक पेपर को क्या होगा, तो मैंने पहले भी आप लोग को बता दिया था, वही चीज़ है कि अगर आपका फर्स्ट ईयर का बैक पेपर है, सेकंड ईयर का बैक पेपर है और अगर आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो, यानी कि आप सितंबर में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, तो आप अपने बैक पेपर का भी एग्जाम दे सकते हो, बस शर्त यही है कि उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको लेकर पूरा डिटेल में बता दिया था, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट एप्लीकेबल हैं एग्जाम देने के लिए, यानी कि सितंबर का फर्स्ट वीक में जो होने वाला है उसमें एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है नहीं है, तो उसे आपको पता चल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अगर सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनका बैक पेपर है, तो वो भी वो एग्जाम दे सकते हैं, बशर्ते कि उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप होना चाहिए। अगर आपने कोई भी स्टूडेंट है ऐसा जो फाइनल ईयर के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है और उसने कोई भी बैक पेपर या कोई भी पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो वो काइंडली फिलअप कर दे, कल तक लास्ट डेट है, उसके बाद से चांसेस कम है कि एक्सटेंड होगा, लेकिन फिर भी फाइनल ईयर के लिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल ईयर का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस है और कल उसका फाइनल आर्गुमेंट होने वाला है।
और सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो सभी यूनिवर्सिटी पे इम्प्लीमेंट होगा, चाहे वो इग्नू हो चाहे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो। तो फाइनल ईयर को लेकर तो अभी पेंडिंग है कि कुछ भी हो सकता है, एग्जाम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इग्नू ने इस नोटिस से ये क्लेरिफाई कर दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट है या नॉन फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट है उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसी को क्लेरिफिकेशन देके इस नोटिस में बताया गया। और लास्ट पॉइंट में यही बताया गया कि उन्हीं स्टूडेंट का एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा जिन्होंने जून 2020 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है। अदरवाइज अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो आपका एग्जाम जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा, दिसंबर में कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। ये 6 नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया। लेकिन इतनी सारी बातें बताई गई, लेकिन जो मेन बात, जो मेन मुद्दा सभी स्टूडेंट ने उठाया था, जिसकी वजह से ये सभी प्रोटेस्ट हो रहा था नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट की तरफ से, कि उनका जो ईयर लॉस हो रहा है, जो अगर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो उनको एक साल का एग्जाम का तैयारी सिर्फ 2 मंथ में करना पड़ेगा, यही चीज को लेकर जो विरोध हो रहा था जिससे उनका 6 मंथ बर्बाद हो रहा था या उनके ऊपर एक्स्ट्रा इतना बर्डन पड़ रहा था, इन सब चीजों के बारे में इग्नू ने कोई भी जवाब नहीं दिया और क्लियरली ये नोटिस रिलीज कर दिया गया और ये क्लेरिफाई कर दिया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा दिसंबर में या फिर नॉन फाइनल ईयर के जितने भी स्टूडेंट है उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये नोटिस रिलीज कर दिया गया और ये नोटिस को सभी रीजनल सेंटर, सभी रीजनल डायरेक्टर को भी भेज दिया गया ताकि वो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज कर दे। तो ये क्लेरिफिकेशन था जिसके बारे में मुझे बताना था आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये फाइनल क्लेरिफिकेशन था मुझे लगता है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। और बाकी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसीजन स्टूडेंट के फेवर में आएगा तो फिर इग्नू की तरफ से एक और नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो जो पहले वाला जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 22 जुलाई को वही रहेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आ रहा है। बस इतना क्लेरिफिकेशन दे दिया इग्नू ने कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये बातें बताना चाह रहा था क्योंकि ये आज इग्नू की तरफ से नोटिस रिलीज किया गया और इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर ले और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दे ताकि हमारा बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहें तो चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।